आज छत्तीसगढ़ राज्य के इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड शो कैंपेन के आयोजन में प्रदेश के संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, हमारे ऊर्जा सचिव सीनियर श्री दयानंद जी, सीईओ श्री राजेश राणा जी, हमारे विधायक श्री पुरेंद्र मिश्रा जी का स्वागत करते हुए हमें बेहद ही प्रसन्नता हो रही है। देश प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती खपत, मांग और जरूरत के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की बचत एवं बढ़ते वायु प्रदूषण को सीमित करने की दिशा में जन जागरूकता प्रचार प्रसार से जुड़ा यह मुख्य आयोजन प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास उपयोग की दिशा में मिलकर एक बहुत बड़ा योगदान है। सड़कों पर जन हानि, धन हानि तथा दुर्घटनाओं को रोकथाम की दिशा में यह आयोजन सार गर्भित साबित होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी, आग्रह करूंगी हमारे सीईओ श्री राजेश राणा जी सर का कि वह पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सर। मैं अनुरोध करूंगी हमारे सीईओ सर श्री राजेश राणा जी सर का कि स्वागत करें हमारे विधायक जी का पुरेंद्र मिश्रा जी और मैं अनुरोध करूंगी सीईओ सर से श्री राजेश राणा जी का कि वो वेलकम करें हमारे सेक्रेटरी जी का। जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत करिए और मैं अनुरोध करूंगी सेक्रेटरी सर से कि वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे खाद्य मंत्री जी भी जो उपस्थित हैं, दयाल लाल जी। मैं अनुरोध करूंगी हमारे अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे सीईओ श्री राजेश राणा जी सर, सीईओ क्रेडा का, कि वो सभी लोगों को संबोधन करें। आज के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड शो के उपलक्ष में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का हम क्रीड़ा विभाग की तरफ से और एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से स्वागत करते हैं। इस अवसर पर मंचस्थ माननीय मंत्री श्री दयालदास बघेल जी का भी हम स्वागत करते हैं, साथ ही रायपुर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी का हम स्वागत करते हैं। साथ ही इस अवसर पर ये जो ईवी रैली है ऊर्जा विभाग की तरफ से, क्रीड़ा विभाग की तरफ से आयोजित है, जिसके माध्यम से हम रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ाएं और पर्यावरण संरक्षण को कैसे बढ़ावा दें, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो दो शब्द कहकर उद्बोधन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस रैली में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, एनर्जी के सेक्रेटरी पी दयानंद जी, केड़ा के सीईओ राजेश राणा जी, रायपुर के कलेक्टर श्री संजय श्रीवास्तव जी, सभी अधिकारीगण और सभी बंधुओं, आप सबको मालूम है कि आज वायुमंडल कितना दूषित हो रहा है और ऐसे समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
बहुत चिंता करते हैं और इसलिए वो सौर ऊर्जा और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सब में ज्यादा ध्यान देते हैं। और आज आप लोगों का अच्छा प्रयास है इलेक्ट्रिकल व्हीकल रैली निकालकर लोगों में जागरूकता लाने का जो प्रयास है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। चूंकि धूप भी है और काफी देरी से आप सब लोग, हमको पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पर है, अभी पता चला है तो जस्ट आप लोगों के बीच में हम आए हैं। आप लोगों को तकलीफ हुई इसका मुझे खेद है और ये जो रैली आप लोग निकाल रहे हैं अवेयरनेस के लिए, ये सफल हो, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, आप सबसे मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे जो सीईओ हैं श्री राजेश खाना जी से अनुरोध करूंगी कि क्रीड़ा की तरफ से सर को सम्मानित करेंगे, क्योंकि जोर से तालियों से इनका फोटोग्राफर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर को कि वो सम्मान कर प्रदान करें। सामने से हटिए, सामने से हटिए। पुरेंद्र मिश्रा, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया जोरों से तालियों से इनका। अब मैं अनुरोध करूंगी एक जगह पोजीशन ले सर का कि वो इस रैली को आगे बढ़ाते हुए झंडा दिखाकर हमारे मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी इस प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाकर रोड शो का प्रारंभ करें। आवाज दे सर, सर जी के इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड शो कैंपेन के आयोजन में प्रदेश के संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे ऊर्जा सचिव सीनियर श्री दयानंद जी, सीईओ श्री राजेश राणा जी, हमारे विधायक श्री पुरेंद्र मिश्रा जी का स्वागत करते हुए हमें बेहद ही प्रसन्नता हो रही है। देश प्रदेश में ऊर्जा की बढ़ती खपत मांग और जरूरत के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की बचत एवं बढ़ते वायु प्रदूषण को सीमित करने की दिशा में जन जागरूकता प्रचार प्रसार से जुड़ा यह मुख्य आयोजन प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास उपयोग की दिशा में मिलकर एक बहुत बड़ा योगदान है। सड़कों पर जन हानि धन हानि तथा दुर्घटनाओं को रोकथाम की दिशा में यह आयोजन सार गर्भित साबित होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी, आग्रह करूंगी हमारे सीईओ श्री राजेश राणा जी सर का कि वह पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सर। मैं अनुरोध करूंगी हमारे सीईओ सर श्री राजेश राणा जी सर का कि स्वागत करें हमारे विधायक जी का पुरेंद्र मिश्रा जी और मैं अनुरोध करूंगी सीईओ सर से श्री राजेश राणा जी का कि वो वेलकम करें हमारे सेक्रेटरी जी का।
जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत करिए। और मैं अनुरोध करूंगी सेक्रेटरी सर से कि वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे खाद्य मंत्री जी भी जो उपस्थित हैं, दयालाल जी। मैं अनुरोध करूंगी हमारे अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे सीओ श्री राजेश राणा जी सर, सीओ क्रेडा का, कि वो सभी लोगों को संबोधन करें। आज के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड शो के उपलक्ष में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का हम क्रीडा विभाग की तरफ से और एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से स्वागत करते हैं। इस अवसर पर मंचस्थ माननीय मंत्री श्री दयालदास बघेल जी का भी हम स्वागत करते हैं, साथ ही रायपुर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी का हम स्वागत करते हैं। साथ ही इस अवसर पर ये जो ईवी रैली है ऊर्जा विभाग की तरफ से, क्रीडा विभाग की तरफ से आयोजित है, जिसके माध्यम से हम रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ाएं और पर्यावरण संरक्षण को कैसे हम बढ़ावा दें, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो दो शब्द कहकर उद्बोधन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस रैली में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, एनर्जी के सेक्रेटरी पी दयानंद जी, केड़ा के सीओ राजेश राणा जी, रायपुर के कलेक्टर श्री संजय श्रीवास्तव जी, सभी अधिकारीगण और सभी बंधुओं, आप सबको मालूम है कि आज वायुमंडल कितना दूषित हो रहा है और ऐसे समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत चिंता करते हैं और इसलिए वो सौर ऊर्जा और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सब में ज्यादा ध्यान देते हैं। और आज आप लोगों का अच्छा प्रयास है इलेक्ट्रिकल व्हीकल रैली निकालकर लोगों में जागरूकता लाने का जो प्रयास है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। क्योंकि धूप भी है और काफी देरी से आप सब लोग, हमको पता नहीं था कि आप लोग यहाँ पर है, अभी पता चला है तो जस्ट आप लोगों के बीच हम आए हैं। आप लोगों को तकलीफ हुई इसका मुझे खेद है और ये जो रैली आप लोग निकाल रहे हैं अवेयरनेस के लिए, ये सफल हो, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, आप सबसे मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे जो सीईओ हैं श्री राजेश राणा जी से अनुरोध करूंगी कि क्रेडा की तरफ से सर को सम्मानित करेंगे। कृपया जोर से तालियों से इनका फोटोग्राफर हटो सामने से, हटो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर को कि वो सम्मान कर प्रदान करें। सामने से हटिए, सामने से हटिए। पुरेंद्र मिश्रा, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया जोरों से तालियों से इनका। अब मैं अनुरोध करूंगी एक जगह पोजीशन ले सर का कि वो इस रैली को आगे बढ़ाते हुए चंदा दिखाकर
हमारे मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी इस प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाकर रोड शो का प्रारंभ करें। एक मिनट उधर जाओ, उधर चलो, नीचे।